अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गाजर और शलजम का सूप। जिसके लिए हमें चाहिए, हमने एक शलजम लिया है बड़े साइज का, दो छोटे गाजर लिए हैं और तीन टमाटर और एक बड़ी डल्ली प्याज की और दो छोटे आलू। और हम टमाटर को काटेंगे नहीं, बस उस पर कट्स लगाएंगे इस तरह दोनों तरफ से, बस ऐसे ही, ताकि इसका छिलका हम उबलने के बाद अधर निकाल सके। इस तरह इसमें हमने कट्स लगा दिए हैं। फिर हम इन सब चीज़ों को एक कुकर में डाल देंगे। और इसमें फिर हम आधा जग पूरे वेजिटेबल डूबे ना पानी डाल देंगे। बस अब इसको हम तीन चार सीटी तक उबालेंगे। सूप के लिए जो हमने शलजम, गाजर और टमाटे उबाले थे वो बॉईल हो चुके हैं हमारे। अब इसके बाद हम इसे ब्लेंडर कर देंगे और टमाटे के छिलके हमने निकाल, इस तरह हमने इसको बारीक पीस दिया है, ब्लेंड कर दिया है। चाहे तो आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। अब इसको हम खाली उबाल देंगे बिना नमक डाले। पाँच से सात मिनट तक इसे खाली बॉईल कर देंगे बिना नमक डाले। लीजिए, ये अब हमारा सूप तैयार है। इसको हम काली मिर्ची और नमक और नींबू से गार्निशिंग करेंगे। ये हमें बाद में ही डालना है, पूरा सूप तैयार हुए बाद आप आपके हिसाब से नमक और काली मिर्ची नींबू डाल सकते हैं।